है, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज है वेनसडे और बजे है सुबह के 11 एंड आज मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन करवाने। फाइनली मेरा टर्न आ गया है एंड क्योंकि मेरे पास पर्सनल नंबर नहीं है स्वीडन का, सो मुझे प्री बुकिंग नहीं मिल सकता। व्हाट? मुझे यहाँ पे जो मोबाइल वैन्स होते हैं वहाँ पे वैक्सीनेट होना पड़ेगा। सो मैंने कोई बुकिंग नहीं करवाया है, बट आई एम गोइंग येट। लेट्स सी कि मुझे आज कौन सा वैक्सीन मिलता है, मिलता भी है या नहीं, देखते हैं। सो आई एम अबाउट टू रीच द वैक्सीनेशन साइट और यहाँ पे मेजरली 3 वैक्सीन चल रहे हैं, फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, जैसा मैंने पढ़ा था साइट में। सो देखते हैं कि मुझे कौन सा वैक्सीन मिलता है। एंड मैं अकेली ही आई हूँ वैक्सीनेशन करवाने क्योंकि दर्शन का ऑफिस चालू है और उनका तो यहाँ का पर्सनल नंबर है। सो वी हैव बुक्ड दिस स्लॉट और उनका वैक्सीनेशन होगा सैटरडे। सो देखते हैं, यहाँ पे अभी बहुत बड़ी लाइन है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे बहुत बड़ा क्यू है, मुझे क्यू में रहना पड़ेगा टू गेट वैक्सीनेटेड एंड लेट्स सी अपना टर्न कब आता है। सो यहाँ पे मुझे एक फॉर्म फिल करने दिया है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है बट मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे बेसिक कि आपको कुछ एलर्जीज है या यू डू यू फील वेल टुडे और ऐसे सब बेसिक क्वेश्चंस है जो मैंने आंसर किए हैं, कंसेंट दिया है एंड नाउ फाइनली आई एम वेरी क्लोज इन द क्यू टू गेट वैक्सीनेटेड। और अभी मुझे मिलने आए हैं मेरे फ्रेंड्स और ये है छोटू निविया। निविया से हाय। हाय दर्शन काका। Helst får du inte stå här inne, du får stå där, men nu förstår jag inte hur fort det är. और ये है मोबाइल वैक्सीन वैन जहाँ पे अंदर वैक्सीनेशन देते हैं और यहाँ पे जो ये पिंक टेंट है वहाँ पर वैक्सीन लेने के बाद 15 मिनट्स वेट करना होता है। सो अभी मेरा वैक्सीन लग गया है एंड आई हैव टू वेट। ओह, वो मुझे फूंक मार रही है कि मेरा वैक्सीन का दर्द ना हो। सो क्यूट। वैक्सीन लगा के मुझे हाफ एन आवर हो गया है और आई एम अबाउट टू रीच होम। अभी तक तो मुझे कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा है पर देखते हैं आगे क्या इफेक्ट्स होते हैं। आई विल लेट यू गाइस नो। सी या गाइस। 3 डेज लेटर। हेलो गाइस, सो इट्स सैटरडे नून टाइम एंड अभी मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लेने के लिए क्योंकि आज सैटरडे 2 बजे का मेरा वैक्सीन का स्लॉट बुक था। तो चलो देखते हैं कौन सी वैक्सीन मिलती है। एंड शैवा ने तो ऑलरेडी वैक्सीन ले ली है बट थैंकफुली उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है एंड उसका तो यहाँ पे पर्सनल नंबर नहीं था तो उसके हम अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते थे, उसको डायरेक्ट वैक्सीनेशन वन में जाके वैक्सीन लेना था बट उसको मिल गया एंड बस उसको थोड़ा बहुत हाथ में पेन हुआ था, बाकी कुछ नहीं हुआ। एंड ये पहुँच गए हम हमारी ऑफिस पे, यहाँ से आगे ही वैक्सीनेशन सेंटर है। कभी हम पूरा ऑफिस का भी व्लॉग बनाएंगे तभी आपको पूरा ऑफिस के सब बिल्डिंग्स भी दिखाएंगे। एंड ये बड़ी सी जो आप देख रहे हो वो है होटल, हमें कभी चांस नहीं मिला है वहाँ पे जाने का बट कभी एक बार जाएंगे डिनर के लिए वहाँ पे भी। यहाँ पे साइन बोर्ड है कहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है उसका, तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत भीड़ देख सकते हो, ये सब लोग वैक्सीन लेने आए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें पहले हमारी अपॉइंटमेंट दिखानी है देन ओनली हम अंदर जा सकते हैं। पर वहाँ पे हमें वैक्सीन मिलेगी। यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, यहाँ
यहाँ पे लिखा गया है कि अभी फिल्मिंग अंदर अलाउड नहीं है, तो हम अभी ज़्यादा अंदर शूट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आईडी चेक कर रहे हैं एंड अपॉइंटमेंट चेक कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग विंडो है, वहाँ पे जाके वैक्सीन लेना है। तो जी अभी मुझे वैक्सीन मिल गई है, मुझे मिली है फाइजर एंड अभी मैं यहाँ पे वेटिंग एरिया में हूँ जहाँ पे मुझे 15 मिनट्स वेट करना है। तो ये है मेरा वैक्सीनेशन कार्ड, आज 17 जुलाई को मुझे फर्स्ट डोज मिला है एंड सेकंड डोज मुझे 4 सितंबर को लेना है। यहाँ पे पीछे थोड़ी बहुत कंपनी की इंफॉर्मेशन दी गई है, मुझे फाइजर की वैक्सीन मिली है एंड ये पूरा इंफॉर्मेशन है कि डोज 2 कब लेना है एंड हाउ मे यू मे फील आफ्टर वैक्सीनेशन, थोड़ा बहुत फीवर एंड ऑल हो सकता है, ये सब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है एंड अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होती है तो कैसे रिपोर्ट करना है वो सब यहाँ पे लिखा गया है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी थी कि सेकेंड डोज आप फर्स्ट डोज के 3 वीक के बाद ले सकते हो, बट अभी नाउ दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नो मोर वैलिड क्योंकि वैक्सीन की पॉलिसी कुछ चेंज हुई है, सो दैट्स वाई दे हैव चेकड आउट। तो जिन जिन के पास मास्क नहीं है वो यहाँ से डायरेक्ट मास्क ले सकते हैं, बट अंदर मास्क कंपलसरी है। अभी तो लाइन और ज़्यादा बड़ी हो गई है, अच्छा हुआ मैं थोड़ा जल्दी आ गया, बाकी मुझे ये लाइन में खड़ा रहना पड़ता। तो जी अपनी वैक्सीन फाइनली हो गई है, प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, बट इट वॉज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। डायरेक्ट अंदर जाके हमें हमारा आईडी एंड अपॉइंटमेंट मोबाइल में दिखाना था, उसके बाद देर वर अराउंड 25 to 30 विंडोज, सो आपको वो कोई भी विंडो में भेजते थे एंड वहाँ पे वैक्सीन करना होता था। वहाँ पे ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स में मेरा वैक्सीन हो गया एंड उसके बाद 15 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ा एंड देन हियर आई एम वैक्सीनेटेड विद द फाइजर। तो जी अभी मैं आ गया हूँ सिस्ता गलेरिया, नेक्स्ट वीक हम एक एक्साइटिंग ट्रिप पे जा रहे हैं 4 दिन के लिए, उसके बहुत बढ़िया व्लॉग्स आने वाले हैं, तो सोचा कि यहाँ से मैं माइक ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत नॉइस कैंसलेशन की प्रॉब्लम रह रही है व्लॉग में, सो लेट्स सी अगर यहाँ पे मुझे माइक मिल गया तो मैं ले लूँगा। तो अभी हम पहुँच गए साइलेंट कंपनी एंड लेट्स सी whether we'll get a mic or not. Have you been looking at this one or have you been looking at something else? Because this one is for the phones directly. Okay. It's made for iPhone, to work with iPhone. तो जी अभी मुझे जो माइक चाहिए था वो तो नहीं मिला है, बट मैंने ये मोबाइल कवर बाय कर लिया है क्योंकि अभी जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो है सेवा का फ़ोन है एंड वो बैक साइड पर स्काई कलर का है, तो मैंने सोचा कि ये कवर बाय कर लेता हूँ। माई मूड इज़ बिट ऑफ यार, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आया था तब मुझे व्लॉगिंग किट चाहिए थी तो सिर्फ माइक अवेलेबल था, तब वहाँ पे वो व्लॉगिंग किट नहीं थी एंड अभी मैं सिर्फ माइक लेने गया क्योंकि मैंने अभी ट्राइपॉड ले लिया है, तो वो बोल रहे हैं कि अभी एंटायर वो व्लॉगिंग किट अवेलेबल है उसमें आप ले सकते हो, सो एनीवे लेट्स सी, क्योंकि अभी मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, अभी मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगा तो वो 2-3 दिन में नहीं आएगा। तो जी जब तक मेरी बस यहाँ पे आती तब तक मैंने सोचा कि यहाँ पे गार्डन में आ जाऊँ और थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट ले लूँ ब्लॉग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए।
सो फाइनली आई एम अबाउट टू रीच टू होम। तो अगर आप लोगों को हमारे ये वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू वॉक्स एंड टॉक्स विद दर्शिवा। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि हम जा रहे हैं अभी 4 दिन की ट्रिप पे एंड वहाँ पे बहुत एक्साइटिंग वीडियो बनाने वाले हैं। सो सी या गाइस।